सुन रहे हम सफर क्या तो। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इसी तरह से व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो और एंड में आप भी अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे बना लेना है। तो अब चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एवी प्लेयर के प्रो ऐप की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलने वाला। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद आपको एवी प्लेयर को ओपन कर लेना। अब जैसे आप इसे ओपन करते हैं आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से जाते हैं। आपके सामने आपकी पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी कुछ इस टाइप से ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहां से अपनी कोई भी एक म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना चाहते हैं। और इसके बाद आपको साइड में एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस थ्री लाइन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। अब आपको नीचे एक विजुअलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस विजुअलाइजर के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहां पर एक बॉक्स का आइकन मिल जाता है, तो आपको उस बॉक्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपको नीचे एक लोड फ्रॉम फाइल का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद गाइस आपको यहां से एक विजुअलाइजर को सिलेक्ट कर लेना है और इस विजुअलाइजर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। और गाइस अगर आपको इसे डाउनलोड करने में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसे देखकर आप ये अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इस तरह के फाइल्स को कैसे डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अब टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपको लास्ट वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद गाइस आपकी ये टेम्पलेट यहाँ पर अप्लाई हो जाती है और उसके बाद गाइस आपको इस टेम्पलेट में कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकन मिलता है, तो आपको इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद गाइस आपको साइड में एक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको फिर से साइड में एक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर देना होगा। अब नीचे आपको एक कस्टम इमेज का बॉक्स मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर देना है। अब इसके बाद गाइस आपको नीचे एक पिक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। और इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा और उसके बाद नीचे आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ब्लर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ब्लर इनेबल्ड का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे अनटिक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक नीचे एक इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब आपको इसके जनरल के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको नीचे एक विजिबल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे टिक कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको नीचे वाले इमेज पर भी सेम ऐसी कर देना है, आपको भी इसे विजिबल कर देना है। अब इसके बाद गाइस आपको इसके जस्ट नीचे वाले इमेज के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद आपको इसके फिर से इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब सेम आपको कस्टम इमेज पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको एक पिक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहां से एक म्यूजिक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा और इस टेक्स्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो गाइस आपको वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। अब इन सब के बाद गाइस आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूं कि आपकी वीडियो कैसे बनी है।